मासूमों ने लगाई फरियाद, चाची से करवा दो आजाद। बांदा जनपद के थाना बिसिंडा के ओरन निवासी बच्चों ने थाने में आकर फरियाद करते हुए कहा, साहब हमको बचा लो, हमारे मम्मी पापा को बचा लो, हमारी चाची हमको अलग होने के बाद भी शांति से रहने नहीं देती, रोज गाली गलौज देती है और आत्महत्या करने की धमकी देती है तथा हमारे ताऊजी को अपने ज्येष्ठों को रेप केस पर फंसाने की धमकी देती है। तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाती है और झूठा बहाना करके रोते हुए उनके सामने खड़ी हो जाती है। पिताजी काम कैसे देखे, बाहर चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है और यह हमारे साथ ऐसा उत्पीड़न रोज करती हो। इस दौरान हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी हमारी चाची समुद्री पत्नी रामचंद्र की होगी। चाची समुद्री 12 साल से हमसे अलग अलग है लेकिन अक्सर इसका यही झगड़ा होता रहा है, ये किसी भी समय कहीं भी जाती रहती है। फरियाद करने वाली बच्चियां हैं नेहा, अंजू, अनु, तनु आदि मौजूद रही। रिपोर्ट नवल तिवारी, क्राइम रिपोर्टर बांदा, एवीपी भारत न्यूज चैनल। आप लोग कहाँ आए हुए हैं? अपने गांव की चौकी में आए हुए। किस लिए आए हुए हैं आप? हमारे घर के विवाद के संबंध में। क्या विवाद हुआ है? घरेलू विवाद है मैम, हमारी चाची हैं जो वो घर वालों को परेशान करती है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अंजू है। आपके गाँव का क्या नाम है? मेरे गाँव का नाम ओरन है। आपके साथ में क्या घटना हुई है? मैम हमारी चाची हैं जो वो हम लोग को बहुत परेशान करके रखी हैं, सबको इतने बुरे शब्द बोलती हैं कि हम लोग को सुनने में शर्म आती है। वो इवन हम लोग के पिताजी लोग को भी नहीं छोड़ती, हम लोग की माता जी हैं नहीं है, हम 6 बहनें हैं, हम सबको मारने की धमकी देती है, बोलती है मार के हम तुम लोग को फंसा देंगे। और ये आप देख रही हैं ऐसे तोड़ फोड़ करती है। हमारे चाचा जी लोग सब सीधे साधे हैं, उन लोग को मारती है, घर से बाहर निकाल देती है। और मैम ये लड़ाई झगड़ा, आप क्या चाहती हैं? मैम हम लोग ये चाहते हैं कि शांति मिले हम लोग को, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम लोग के पापा लोग बहुत चीज, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं जानते। लड़ाई वो क्यों करती हैं? वो फालतू लड़ाई करती है, बोलती हमें हिस्सा चाहिए, हिस्सा देने के लिए तैयार है तो बोलती है कि हमें नहीं चाहिए, पूरा नाम लिखो हमारे स्टाम्प पेपर में, ऐसा करो वैसा करो। उसका कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्लियरली क्या चाहती है। तो वो हिस्सा किससे मांगती हैं? हिस्सा पापा लोगों से बोलती है, दादी से बोलती हैं। तो आप लोगों से क्या दिक्कत है? वो सबको समेट लेती है एक बार में, हम लोग के घर में चोरी करती है, कपड़े से लेकर के बर्तन से लेकर जेवर से लेकर के हर चीज।